मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और म्यूचुअल फंड में जिस कैटेगरी को आज सिलेक्ट किया है उसका नाम है बैंकिंग फंड। दोस्तों रिपोर्ट जो मैं आपके सामने प्रदर्शन करूंगा वो रिपोर्ट है 27 मई 2021 का, और इसके अंदर हमने टॉप के 6 बैंकिंग फंड्स को हमने लिया हुआ है। दोस्तों बैंकिंग फंड्स में पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करती है प्रॉपर फंड, जिसमें पूरी एनबीएफसी बैंकिंग और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो सारा इन्वॉल्व होता है इस कंपनीज के अंदर। तो कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा टॉप 6 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसका कॉर्पस बताऊंगा, सिंस इंसेप्शन क्या उसका रिटर्न ये भी आपके सामने प्रदर्शन करूंगा, 5 साल 3 साल 2 साल और 1 साल का रिटर्न भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस ऑडियो संदेश के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स के ऊपर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज जो नंबर 1 पे है उस फंड का नाम है निपोन इंडिया बैंकिंग फंड ग्रोथ। दोस्तों इस फंड की जो साइज है 2,659 करोड़ का कॉर्पस है, और जब से फंड आया है तब से 21.296% का रिटर्न दिया है। दोस्तों पिछले 5 सालों में 13.47% का, पिछले 3 सालों में 6.74% का, पिछले 2 सालों में 3.26% का, और पिछले 1 सालों में 106.231% का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। दोस्तों जो एक शानदार रिटर्न है। मित्रों दूसरे नंबर पे जो फंड्स हैं उसका नाम है आदित्य बिरला सनलाइफ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स रेगुलर ग्रोथ। दोस्तों इसकी साइज है 1910 करोड़ का, और इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 18.551% का, और पिछले 5 सालों का रिटर्न है 14.61% का, पिछले 3 सालों में 8.19% का, पिछले 2 सालों में 7.21% का, और पिछले 1 सालों में 95.277% का। दोस्तों पायदान नंबर 3 पे जो फंड्स हैं उसका नाम है ICICI प्रोडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स। इस फंड की जो कॉर्पस है 3,988 करोड़ का है दोस्तों, और जब से फंड आई है तब से 17.644% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 16.60% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 9.89% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 सालों में 6.85% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सालों में 97.44% का रिटर्न दिया है। दोस्तों चौथे पायदान पे जो फंड्स हैं उसका नाम है SBI बैंकिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स। इस फंड की जो कॉर्पस साइज है वो 2,401 करोड़ का है, और जो सिंस सब्सक्रिप्शन रिटर्न है इसका वो 14.69% का है। दोस्तों पिछले 5 सालों से 18.24%, पिछले 3 सालों में 13.934%, पिछले 2 सालों में 10.599%, और पिछले 1 सालों में 79.958% का शानदार रिटर्न दिखाया है इस फंड ने। दोस्तों आज जो फंड हम चर्चा करेंगे उसमें जो पांचवें पायदान पे जो फंड है उस फंड का नाम है टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रेगुलर ग्रोथ। फंड की साइज है 682.939 करोड़ का। ये फंड सिंस इंसेप्शन से 18.003% का रिटर्न दिखाया है। दोस्तों पिछले 5 सालों में 17.10% का, पिछले 3 सालों में 11.52% का, पिछले 2 सालों में 10.72% का, और पिछले 1 सालों में 70.10% का बेहतरीन रिटर्न डिलीवर किया है। दोस्तों इस फंड की जो छठे नंबर पे जो फंड है जो इस कैटेगरी में सबसे नीचे है उसका नाम है UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इस फंड की जो साइज है 672.315 करोड़ का है, और फंड का जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन से 14.912% का रिटर्न है, पिछले 5 सालों में 10.76% का, पिछले 3 सालों में 4.52% का, पिछले 2 सालों में 2.11% का, और पिछले 1 सालों में
87% का रिटर्न डिलीवर किया है। दोस्तों, मेरे द्वारा प्रस्तुत करी गई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के लिए आज की कार्यक्रम में यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जिन भी इन्वेस्टर मित्रों को इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप अपना बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे बैंकिंग टीम के द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी और फंड्स को अंदर निवेश करने के रास्ते भी सुझाए जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।